प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ हिमाचल प्रदेश, संबंधित भारतीय मजदूर संघ जिला बिलासपुर कार्यकारिणी की अध्यक्षा निशु व महामंत्री रीना की अध्यक्षता में जिला उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मांग पत्र सौंपा, जिसमें निशा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को चलाने का निर्णय सराहनीय कदम है। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का होना अति आवश्यक है और हम पिछले 23 वर्षों से बेरोजगारी की मार झेल रही हैं। 1997 के बाद आज तक प्रदेश भर में 15,000 के करीब बेरोजगार प्रशिक्षित एनटीटी टीचर हैं, जो पिछले 23 वर्षों से रोजगार की राह देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एनटीटी अध्यापकों की नियुक्ति जल्द से जल्द बिना किसी शर्त से की जाए व उच्च शिक्षा प्राप्त प्रार्थी को योग्यता के अनुसार प्राथमिकता दी जाए। बिलासपुर की जिला अध्यक्ष हूँ एनटीटी यूनियन की, और हमारी मांगे हैं कि हमें जो प्रदेश सरकार ने अभी एनटीटी क्लासेस को 2 साल शुरू किए हुए हो गए हैं, तो उसमें हम सब एनटीटी जो किए हुए हो एनटीटी टीचर हैं उनकी सब की यही एक मांग है कि हमें यहाँ पे स्कूलों में अपॉइंट किया जाए, जिस तरह से उन बच्चों को हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, अदर नहीं दे सकते हैं। बाकी जब सभी लोगों ने 6 साल तक के बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्पेशल कोर्स किया हुआ है, उसके अनुसार जो है हम लोग सभी डीसी साहब के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को अपनी तरफ से एक ज्ञापन दिया हमने कि हमारी मांगों को जो है सो स्वीकार किया जाए और हमें रोजगार दिया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर क्या पूरे हिमाचल में 23 सालों से सभी एनटीटी किए हुए जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं, रखे हुए हैं सीएम साहब से, क्यों वो हमारी डिमांडों को पक्का पूरा करेंगे।